जम्मू कश्मीर के दो बॉक्सर्स ने रचा इतिहास, और ये इतिहास जो है वो किसी और ने नहीं, जम्मू कश्मीर के दो बॉक्सर्स ने रचा है। और सबसे पहले आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इन्होंने इतिहास तो रचा ही है, साथ में जम्मू कश्मीर का नाम जो रोशन किया है ना, वो हरियाणा में जाकर किया है। और इन्हें ट्रेन करने वाले कोई और नहीं, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मौलाना आजाद स्टेडियम के कोच है, सीनियर कोच अनिल वडेरा है, जिन्होंने इनको ट्रेन किया है और ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इसलिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बार फिर से प्राउड मूवमेंट है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है, उनमें प्रतिभा है, बस उन्हें तराशने की और उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत है। जहां पर बॉक्सिंग की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में पहले ऐसा टैलेंट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो महिला बॉक्सर्स और पुरुष बॉक्सर्स की बात करते हैं, अब उनकी तादाद भी ज्यादा होती जा रही है। लेकिन जहां तक अब बात करें, इन्होंने इतिहास तो रचा है, ये दोनों बॉक्सर जम्मू और कश्मीर से हैं, एक का नाम चंद्रदेव सिंह है और दूसरे का नाम आरिफ वानी है। इन दोनों बॉक्सर्स ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो हरियाणा के हिसार में हो रही है, वहां पर इन्होंने नाम रोशन किया है और ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, जो कि दिसंबर 31 को शुरू हुआ था और जनवरी 6 की बात करते हैं तब इनका रिजल्ट जो है आएगा। तो आरिफ वानी की बात करते हैं, इन्होंने डिफीट किया है, यानी इन्होंने हराया है मोहित सिंह को, जो महाराष्ट्र के है 5-0 से, और चंद्रदेव सिंह है, इन्होंने हरा है उत्तराखंड के सूरज चांद को 5-3 से। यानी अगर आरिफ वानी की बात करें तो 5 राउंड हुए थे, उनमें से 5ों में ये विजयी हुए हैं, और चंद्रदेव सिंह की बात करें, 5 में से 3 राउंड जो है इन्होंने अपने नाम किए हैं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के बच्चों ने इतिहास रचा है और इन्हें जो ट्रेन करने वाले थे वो भी बधाई के पात्र हैं, सीनियर कोच अनिल वडेरा, जो मौलाना आजाद स्टेडियम में ही कोचिंग देते हैं। अगर बॉक्सिंग की बात करें ना, तो अगर हरियाणा का नाम आता है ना, तो जहां पर बेस्ट बॉक्सर्स की बात की जाती है ना, और हरियाणा में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं, ये कोई भी एक्टिविटीज हो उनको, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की ओर आते हैं, हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन ऐसी चीजें जो है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों ने अपनी प्रतिभा को खुद तराशा और खुद वहां तक पहुंच गए कि उन्हें जो है वो बाहर तक लेने का मौका मिले। तो इसीलिए हरियाणा के हिसार की अगर बात करते हैं, तो वहां पर जो कंपटीशन हो रहा है, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इतिहास रचा है जम्मू कश्मीर के दो बच्चों ने, जिनका नाम है चंद्रदेव सिंह और आरिफ वानी है, और बिल्कुल बधाई के पात्र वो ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर है और पूरे जम्मू कश्मीर को प्राउड है, क्योंकि सेमीफाइनल में वो पहुंचे हैं। और जहां तक बॉक्सिंग की बात करते हैं, जिस तरह से आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि एक कश्मीर की बच्ची है जिन्होंने बॉक्सिंग में जो है वो नाम रोशन किया है, बेशक वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जो है उनकी प्रतिभा की तारीफ हो रही है। तो उसी तरह से आरिफ वानी और चंद्रदेव सिंह है, उनकी भी तारीफ हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, और पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे जिस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं ना, चाहे वो हम एग्जाम्स की बात करें, यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करें, चाहे आईपीएल्स की बात करें, और चाहे हम बॉक्सिंग की बात करें, क्रिकेट की बात करें, जम्मू कश्मीर के बच्चे किसी से भी कम नहीं है। और आप जम्मू कश्मीर के बच्चों का ना हौसला आप बढ़ाइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं उनका हौसला बढ़ाइए और उनकी दुआएं करें, और हो सकता है कल को इनमें से कोई आपका भी बच्चा हो। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से तलाब।